Hi everyone, welcome back to MBA A to Z channel. I am Simaur का आप स्क्रीन में देख रहा है डिटेल्स ऑफ द डेटा सैंक्शन इनटेक शॉर्टलिस्टेड एंड सीट्स फील्ड. तो आई एम सिमाउर में देखिए 240 टोटल सीट है एमबीए का, उसमें 120 जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है 19, एनसीओबीसी का है 51, एससी का 28 एंड एसटी का 14 एंड पीडब्ल्यूडी का कुछ है, कुछ लिखा है नॉट एप्लीकेंट बोल के, उसी साल नॉट एप्लीकेंट था. ओके, कोई अप्लाई नहीं किया था कि फिलअप आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया. ओके, सो दिस इज द थिंग. तो शॉर्ट लिस्ट में देखिए 128 जनरल का शॉर्ट लिस्ट का अंदर में 798 थी, 7938 सबको शॉर्ट लिस्ट हो चुका है. ई डब्ल्यू एस शॉर्ट लिस्ट हो चुका है 1298, एन सी ओ बी सी है 3897, 2254 है एस सी, 607 एस टी, 203 पी डब्ल्यू डी था शॉर्ट लिस्टेड बट नो बॉडी वॉज क्वालिफाइड एज बिकॉज उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता होगा. 16242 आपको क्या है ना 240 सैंक्शन इनटेक का एगेंस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो चुका था. तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे भी बोले आप जो भी बोले कंपटीशन इज वेरी हाई. ओके, कंपटीशन इज वेरी हाई एंड वेरी टफ ऑल्सो. तो मैं बोलूँगा कि पढ़ाई करो बच्चों, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. ओके, देन 1.47% इज द चांस, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 1.47%, बिकॉज इसमें क्या होता है ना आई आई एम ए बी सी एल के आई एस जितना सारा आई एम बड़ा बड़ा आई एम उसमें भी अप्लाई करता है, इसमें भी अप्लाई करता है. सो दिस इज नॉट ए 1.4% बट ऑलमोस्ट लाइक दैट बिकॉज फिगर इज टेलिंग. ओके, सो जनरल में सीट्स फील हुआ 128, 27 को ई डब्ल्यू एस देखिए, 58 एन सी ओ बी सी, 27 आपको एस सी, एस टी का 14, मतलब एस टी का सीट्स जो 1 को फिलअप हुआ एगेंस्ट को 14, उसका एगेंस्ट में ई डब्ल्यू एस और आपको एन सी ओ बी सी को बढ़ा दिया गया है, पीडब्ल्यू डी में आपको नॉट एप्लीकेंट. ओके, सो दिस इज द थिंग एंड यू सी हियर दैट ई जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 सैप प्रोसेस का अंदर. सैप मतलब क्या होता है, आई एम सीमा और क्या क्या था ना, फिर से एक तो इंटरव्यू लिया था. ओके, उसका जो कॉलेज उसको लिया था इंटरव्यू, उसमें आपको सैप प्रोसेस में देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो ऑफर आया था उसमें 48.34 था जनरल कैटेगरी में, लेकिन आपको कॉम्पोजिट स्कोर हो गया आपको थर्ड शॉर्ट लिस्ट में आपको क्या 50.2, दैट इज द कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ लास्ट कैंडिडेट गिवन एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी. सो दिस इज द थिंग एंड देन फोर्थ लिस्ट में आपको 45.65, फिफ्थ लिस्ट में आपको 42.13 एंड सिक्स लिस्ट में 40.37 एंड सेवन्थ लिस्ट में 38.54 एंड एट्थ लिस्ट में 37.58. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. तो मैं बोलूँगा कि ये सबको ऐसा करें एंड सैंक्शन इनटेक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड सीट्स फील्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, देखिए टोटल तब जनरल में आपको 6104 आपको ऑफर किया था, ई डब्ल्यू एस में 956 ऑफर किया था, 2502 ऑफर किया था आपको, एन सी ओ बी सी में 1506 ऑफर किया था आपको, एस सी में आपको एस टी में 3848 एंड पी डब्ल्यू में 156. सो ऑफर करके कॉम्पोजिट स्कोर आपको कैप में लास्ट में आया है कट ऑफ 26.21 एंड सैप पे आया 32.24. ओके, तो क्या है ना कैप बोलिए और सैप बोलिए, कैप में आपको जितना सारा कट ऑफ है दैट इज द मेन कट ऑफ, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाएगा आई एम सीमा और सोचेगा कि हम और एक इंटरव्यू लेंगे तो वो ले सकता है. सो दिस इज द सैप प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पर देखिए तो ऐसे ही हुआ, उसके बाद 2022 बैच का भी वैसे ही हाल था आपको. ओके, सो एंड देन 1921 बैच का भी वैसे ही था, यू विल नॉट गेट द फिगर बट यहाँ पर देखिए 18-20 में आपको 100 को सीट था, उसके बाद 100 को बढ़ के अभी कितना बढ़ गया. ओके, अभी बढ़ के हो गया आपको 240, लगभग आपको 150 बढ़ा है. ओके, सो दिस इज द थिंग एंड मैं सबको बोलूँगा मेरा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. ओके, and thanks for the watching this video, please like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.